बस फेस पे फेस फ्रेमिंग का लुक चाहिए, तो इसलिए हम लोग फेस पे लेयरिंग कर रहे हैं, हाफ लेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर पार्टीशन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई भी हेयर कट करने के लिए सेंटर पार्टीशन करना ज़रूरी है, और उसके बाद से हेयर को अच्छी तरह से कॉम करना बहुत ज़रूरी है। फिर टॉप एरिया पे जा रहे हैं, और टॉप एरिया से ईयर तक एक पतली सी लाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो पतला सा लाइन क्रिएट करना है, और सेक्शन क्लिप से हेयर को सिक्योर कर देना है। सिक्योर करने के बाद आपको सेकेंड साइड जाना है और सेम प्रोसेस करना है। टॉप एरिया से ईयर तक एक पतला सा लाइन क्रिएट करना है, बिल्कुल सीधी लाइन क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इधर उधर बाल नहीं होने चाहिए, लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। और उसे अच्छे से डिवाइड करने के बाद बैक साइड के हेयर को सिक्योर कर देंगे। फिर फेस पे आ जाना है सामने की तरफ, और सेंटर पार्टीशन से 1-1 इंच की दूरी लेके दोनों साइड से पतला सा लेयर लेना है, और क्लाइंट से पूछकर गाइडलाइन तैयार करना है। तो हम लोग चिन पे गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं। हमारे क्लाइंट को चिन से शॉर्ट हेयर नहीं चाहिए, तो गाइडलाइन तैयार करने के बाद उसे स्ट्रेट कट कर लिया, और उसके बाद उसे लेके जा रहे हैं ऊपर 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे लेके जाने के बाद जहाँ पे एंड पॉइंट मिल रहा है वहाँ पे हमें हल्का सा ट्रिम करना है, और फिर दूसरा सेक्शन सेम प्रोसेस से कट करना है। बस ऐसे ही कटिंग करना है। जब हमारी गाइडलाइन तैयार हो चुकी है, उस गाइडलाइन से मर्ज करते हुए पतला पतला सेक्शन लेना है। सेक्शन लेके बिल्कुल सामने खड़े होके कट करना है, और सारे हेयर को बिल्कुल सामने लेके आना है, स्ट्रेट लेके आना है। और फिर जहाँ गाइडलाइन छूट रही है वहाँ पे हमें कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद उस हेयर को लेके जाना है 90 डिग्री पे, और वहाँ पे कट करना है। तो इस तरह से सारे हेयर में आपको वर्क करना है, कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं करना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जितनी बार आप लेयरिंग लेंगे, सीधा कट कर लेंगे, फिर 90 पे लेके जाएंगे, 90 पे कट करेंगे, तो ये प्रोसेस हर बार करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि सारे को फ्रंट पे कट कर लिया और एक साथ 90 डिग्री पे लेके जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। हर बार आपको 90 डिग्री पे लेके जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लिया। ऐसे आप कट करते हैं तो भी लेयर आता है, लेकिन जब आप ऊपर लेके जाते हैं 90 डिग्री पे, तो उसमें हल्का सा बाउंस आता है, और लेयरिंग काफ़ी अच्छी क्लियर आती है और घनी घनी भी आती है। तो अभी सारे लेयर को कट करने के बाद आप देख सकते हैं हम लोग सारे हेयर को कट कर चुके हैं, एकदम लास्ट वाला लेयर बचा हुआ है। और यहाँ पर भी हम सेम तरीके से कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद सारे हेयर को लेके जा रहे हैं 90 डिग्री पर, वहाँ पे अच्छी तरह से फिंगर में उसे होल्ड कर रहे हैं। होल्ड करने के बाद कट कर ले रहे हैं। तो इसी तरह से आपको कटिंग करना है, और कटिंग करने के बाद हल्का हल्का तो ट्रिमिंग करना बनता ही है। ट्रिमिंग करने से हेयर की कटिंग लॉन्ग लास्टिंग होती है, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद आप ब्लो ड्राई कीजिए। ब्लो ड्राई करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत आपको लेयर मिल चुके हैं। तो ब्लो ड्राई करने के बाद आप लुक देख सकते हैं कि किस तरह का लुक आ रहा है। देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रहा है, बिल्कुल पतली पतली लेयरिंग है और एकदम बराबर लेयर है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये हेयर कटिंग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी हम वीडियो और पोस्ट पोस्ट करते रहते हैं, फ़ोटो भी पोस्ट करते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नमस्कार एंड बाय बाय। पहले बनाऊंगी, आप देखते रहिएगा। देखिए लेयर अच्छा खासा इसमें दिख रहा है, इस लेयर में बॉब कट अच्छा लगेगा क्या, आप लोग खुद बताइएगा और देखिएगा। यहाँ पे मैं जो कट करूँगी देख सकते हैं आप, मैं अभी रबर लगा के दिखाती हूँ आपको, और कितना काटना है वो भी दिखाऊंगी अभी कैंची से। और पीछे तरफ एक बार आप देख सकते हैं लेयर, देखिए कितना बढ़िया है ना, बहुत अच्छा लेयर आया हुआ है ना, बहुत बढ़िया आ जाता है लेयर, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप बस जो है आराम से जो मैं तरीका बताऊंगी उस तरीके से आप काट के देखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। है ना लेयर आया हुआ, और जो मैं एक साथ पकड़ के फिर काटी तो उससे आप यू शेप या वी शेप जो
जो शेप देना चाहे पीछे से दे सकते हैं। मैं बिल्कुल स्ट्रेट में दी थी लेकिन बहुत अच्छा आया हुआ है वो। और ये देखिए मैं अभी चोटी अब बना करके आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे दो चोटी बना लेते हैं। पहले एकदम बिल्कुल नीचे की तरफ बाल को अच्छे से पहले सुलझा लेना है अच्छी तरह से। जब भी आप कटिंग कीजिए तो बाल को अच्छा कंघी करके मतलब सुलझाना है बढ़िया से। और उसके बाद यहाँ देखिएगा मैं अभी जो रबर लगाऊंगी बिल्कुल नीचे कान के नीचे ले जा करके रबर इसमें लगाना है ऐसे आराम से यहाँ पे कान के बराबर में नीचे तक ले जा करके यहाँ रबर आप देख सकते हैं। इधर भी कर लेते हैं सेम उसी तरह से दोनों तरफ सेट कर लेते हैं बालों को। उसके बाद है ना कैंची लेके फिर दिखाएंगे आपको कि कैसे कट करना है। यहाँ देखिए बने रहिए हो गया ना दो चोटी बन गया। दो चोटी मेरे ऊपर कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। मैं अच्छी दिख रही हूँ दो चोटी में। बचपन में हम लोग दो चोटी बनाते थे। आज मैं यहाँ पे दो चोटी बनाई हूँ बाल काटने के लिए। और ये देखिए कैंची तो इतना इतना मुझे कट करना चाहिए या पूरा ऊपर तक। सब्सक्राइबर का डिमांड है कि नहीं पूरा ऊपर तक काटना है चोटी के पास हटा के। और उससे क्या होगा ना कि अपने आप ही एक बराबर। और यहाँ देखिए चोटी में भी लेयर बहुत सारा दिख रहा है इसमें। तो ये लेयर कट कटा हुआ है और मैं ऊपर से हटा के ऐसे भी काटूँगी तो दिखेगा अच्छा कि नहीं। तो मैं यहाँ थोड़ा फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ कैसा दिखेगा। मेरे ऊपर थोड़ा छोटा होगा बाल तो ये देखिए। मैं साड़ी भी पहनती हूँ तो साड़ी में भी अच्छा लगेगा क्या इतना बाल कटा हुआ ये देख सकती हूँ। तो इतना कर करूँ या इससे और छोटा करूँ ये आप लोग बता सकते हैं या मैं यहाँ पर करूँगी अभी तो आप देखिएगा। और ये देखिए चोटी को मैं खोल दिया अभी। अभी मैं काट के आपको दिखाती हूँ। उससे पहले एक फोल्ड और दिखाते हैं कि इतना छोटा अच्छा लगेगा क्या। ये वाला छोटा आप देखिए उससे भी थोड़ा छोटा मैं की। इसको फोल्ड करके अभी देख लेते हैं कि कौन सा अच्छा लगता है। इतना यदि काटते हैं तो इतना पर से मैं ऐसे फोल्ड कर दूँगी और पहले चेक कर लेंगे कि ठीक लगता है क्या। मेरे ऊपर देखिए इतना पर ठीक लगेगा क्या इतना कट आएगा। इतना यदि मैं काटती हूँ तो इतना पर रहेगा ये हेयर कट या चोटी भी बन सकता है इतना पर। क्योंकि मुझे बाल में चोटी बना के रखना बहुत ही आसान मतलब अच्छा लगता है। अच्छा तब लगता है जब मैं काम करती हूँ क्योंकि काम करने के टाइम घर का कोई भी काम हो मैं बाल खोल के नहीं कर सकती। मुझे बहुत ही उलझन होने लगता है काम पर जो है ना काम पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। बाल बार बार मेरे को परेशान करता है तो इसलिए मैं जो है ना बाल को हमेशा अच्छे से क्लचर या रबर बैंड के साथ टाइटली बांध करके फिर ही मैं काम कर सकती हूँ। आराम करने के टाइम ही या घूमने के टाइम ऐसे खुला मैं रख सकती हूँ नहीं तो काम के टाइम मैं कभी भी खुला बाल नहीं रखती हूँ। तो इसलिए मेरे को कौन सा कट सही रहेगा आप बताइएगा। तो ये साइड वाला मैं इतना काटूँगी तो ऐसा दिखेगा। उसके बाद मैं देखिए इतना कट का डिमांड है ना बॉब कट इसको बोलते हैं। तो मैं ये काट करके यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ये अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर क्या। अब मेरा चोटी तो नहीं बन रहा है तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप बताइए कि ये कैसा लग रहा है हेयर कट। तो मैं यहाँ पे ये हेयर कट दे दी हूँ आप देख सकते हैं दिख रहा है सही। और वो जो छोटा वाला जो दिख रहा था वो सही दिख रहा था ये सही दिख रहा है आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं आगे आपको शेयर करूँगी कि मैं इतना काटी हूँ कि उतना काटी हूँ क्या कट है। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और यहाँ देख सकते हैं यह है बॉब कट। इसमें थोड़ा सा और भी छोटा का डिमांड है। तो अभी मैं देखती हूँ कि क्या की हूँ मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो आपको आशा है पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। होती है जैसे कि मैंने स्क्रीन में दिखाया है थोड़े बाल कट करके दोनों साइड मैंने कर लिया है। और उसी गाइडलाइन को लेते हुए मैं हेयर की कटिंग करूँगी। तो वो थोड़े थोड़े हेयर में फ्रंट में लाकर उसे अच्छे तरीके से कॉम कर उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग में कट करूँगी। तो यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ। बस इसी तरीके से कट करना है। और वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। तो कैसा लग रहा है इनका ये हेयर कट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेयर कट ऐड करूंगी, तो सबसे पहले कान के सामने से हेयर को ले रही हूं मैं। बीच वाले पार्ट्स को बराबर कट करी हूँ, चिन से थोड़ा नीचे लाके इस टाइप से बराबर इसको कट कर बहुत दे रही हूँ। शॉर्ट नहीं करेंगे, बहुत लॉन्ग नहीं रखेंगे। तो इनकी लेंथ जो है क्या मीडियम है, तो मैं थोड़ा ऐसा कट करूंगी कि अगर ये अपने बालों पे क्लच भी करें ना, तो शोल्डर के पास से इनके पूरे लेयर स्टेप्स दिखने चाहिए। साइड वाले हेयर को भी देखिए, गाइडलाइन के साथ में ऐसा मिक्स करके थोड़ा सा तिरछा कट कर दे रही हूँ। इधर भी सेम वही प्रोसेस कर लेना है। तो यहाँ पे ये फ्रंट का हो गया। अब साइड वाले हेयर को भी सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे इस टाइप से। देखिए अच्छे से टू फिंगर के बीच में ग्रिप करेंगे, पहले तो कोम करके सुलझाएंगे और इस तरीके से ग्रिपिंग करनी है। ये देखिए, तो ये हो जाएगा इसमें लेयर कट। तो थोड़ा सा तिरछा कट कर रही हूं मैं, फिर से रीचेक कर लेंगे और जो भी हेयर अनइवन लगेगा उसको इस तरीके से हम ट्रिम कर देंगे। और ये पता है, ये भी काफ़ी दूर से आई हुई थी। बहुत खुशी होती है जब लोग दूर दूर से एक दूसरे के कांटेक्ट से आते हैं, नाम सुन के आते हैं, तो उस टाइम पे अपने आप में बहुत प्राउड फील होता है। ऐसा लगता है हाँ, हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, जो लोग इतना दूर दूर से भी एक दूसरे से नाम सुन के आते हैं।